Hello everyone, I hope you all are doing great and this series of marathon classes are helping you all very very much. आज इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना PGPP. मैक्सिमम स्टूडेंट्स PGPP को छोड़ करके जाते हैं. स्टार्टिंग से ही ये एम रखते हैं कि हमें PGPP करना ही नहीं है. बट आपको ये एम डेफिनेटली नहीं रखना है. अगर आपने भी अभी तक एक बार भी PGPP को नहीं देखा है, आप ये मैराथन 2 से 3 बार देख लीजिए, बिकॉज आई विल ट्राई टू मेक इट इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम. सो आप इसे 2 से 3 बार अगर देख लेते हैं, यू आर गुड विद PGPP. ऑल राइट, तो लेट्स स्टार्ट इट. ओके, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एक बहुत ही बड़ा हेड है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, क्योंकि इसमें सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है. नाम के लिए तो इसमें सेक्शन आते हैं आपके 28 से 44 तक, बट उसके अंदर सब सेक्शंस एंड ऑल वो बहुत सारी चीज़ें बढ़ करके इसे एक बहुत ही बड़ा हेड बना लेती है, और इसी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस हेड को नहीं करते हैं. तो आज इस लेक्चर में हम PGPP कवर करेंगे और ज़्यादा फोकस हम देंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो रिकरिंग बेसिस पर एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलते हैं. तो विदाउट एनी फर्दर डिले एंड वेस्टिंग आर टाइम, लेट अस स्टार्ट विद आर PGPP रिविजन. तो सबसे पहले मैं आपसे PGPP के अंदर बात करूंगी कि इसमें हम कंप्यूटेशन कैसे करते हैं. जो हम सेक्शन 29 के अंदर कंप्यूटेशन करते हैं, वो सेक्शन 29 की कंप्यूटेशन कैसे होती है. तो सबसे पहले आपको अपना नेट प्रॉफिट लेना है एज पर कंपनीज एक्ट. सबसे पहले क्या करोगे आप, आपको क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन रहेगी, PNL गिवन रहेगा, जो भी आपको स्टेटमेंट्स गिवन रहेंगे, उसमें से PNL में से आपको क्या उठाना है, अपना नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट एज पर कंपनीज एक्ट, क्योंकि वो आपने कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनाया है. ठीक है, अब उसमें हम एडजस्टमेंट्स करते हैं. किसके अकॉर्डिंग? इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हम उसके अंदर एडजस्टमेंट करते हैं, यानी कि उस नेट प्रॉफिट में कुछ चीजें ऐड होगी और कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट होगी. बस ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ही काम पूरा PGPP है. क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, किस चीज को हमें इग्नोर करना है, वही PGPP है. ओके, तो नाउ सबसे पहले बात करते हैं ऐड क्या क्या करना है. एक्सपेंसेस डेबिटेड बट विच शुड नॉट बी डेबिटेड, मतलब ऐसे खर्चे जो आपने डेबिट किए हुए हैं लेकिन नहीं करने थे. डेबिट किए हुए हैं यानी कि आपने प्रॉफिट में से उसकी डिडक्शन ले रखी है, आपने उसकी वजह से अपने प्रॉफिट को कम कर रखा है. अगर प्रॉफिट कम कर रखा है तो ये किसके हिसाब से कम करा था? कंपनीज एक्ट के हिसाब से कम करा था. क्या इनकम टैक्स ने बोला कि आप ये प्रॉफिट कम करो? नहीं बोला. तो अगर इनकम टैक्स ने आपको नहीं बोला प्रॉफिट कम करो, तो बढ़ाओ उसे, बिकॉज आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो. आप कंप्यूटेशन किस में कर रहे हो? इनकम टैक्स के सेक्शन में कर रहे हो, इनकम टैक्स के हेड में कर रहे हो. ओके, तो सबसे पहले अपने कंपनीज एक्ट का प्रॉफिट उठाया. उसके बाद में सेकंड चीज, ऐड करोगे वो खर्चे जो डेबिट कर दिए बट करने नहीं थे, अपनी गलतियां सुधारोगे. और क्या क्या ऐड होगा, देखो खर्चे के बारे में बात कर ली, और क्या ऐड होगा? ऐसी इनकम जो क्रेडिट करनी थी लेकिन क्रेडिट नहीं करी. ऐसी इनकम, वो आपको इनकम माननी थी, इनकम माननी थी मतलब प्रॉफिट बढ़ना था बट आपने नहीं बढ़ा रखा, आपने इनकम नहीं मान रखी, तो मानो और उस प्रॉफिट को बढ़ाओ. ठीक है, अब अगर प्रॉफिट आपने बढ़ाया नहीं है, वो काम गलत करा है, तो कहीं ना कहीं आपने लेस करने वाला काम भी गलत ही करा होगा, उसे भी आप कंपनीज एक्ट से इनकम टैक्स में लाओ. तो क्या करना है, लेस क्या क्या करना है? वो एक्सपेंसेस जो डेबिट होने चाहिए थे बट आपने डेबिट नहीं करे, ऐसे खर्चे जिसे इनकम टैक्स बोलता है कि डेबिट करो बट आपने अकाउंट्स की वजह से डेबिट नहीं करा. ओके, और क्या लेस होना चाहिए था? ऐसी इनकम जो क्रेडिट कर दी है लेकिन क्रेडिट नहीं होनी चाहिए थी, मतलब जिसे हमें इनकम नहीं मानना था लेकिन फिर भी आपने इनकम मान लिया तो प्रॉफिट बढ़ाया हुआ है, अरे उसको कम करो, आप पे वो प्रॉफिट आएगा ही नहीं,
फायदा है आपका। बस यही एड लेस करके आपका एट लास्ट आ जाता है इनकम फ्रॉम पीजीबी। बस केवल एड लेस करना है। अरे हम तो यूं ही डर रहे थे। आप यूं ही डर रहे हो। पीजीबी से डरना नहीं है, पीजीबी से प्यार करो। चलिए अब हमारे पहले सेक्शन यानी कि चार्जिंग सेक्शन से बात कर लेते हैं। चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है? चार्जिंग सेक्शन ये बोलता है कि जो भी हम इस सेक्शन के अंदर लिख रहे हैं वो सारी की सारी इनकम आपकी कहाँ टैक्सेबल होगी? पीजीबीपी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। तो भैया फिर आप ही बता दो आपने कौन कौन सी इनकम लिखी हुई है। सबसे पहला, कोई भी प्रॉफिट या गेन बिजनेस या प्रोफेशन से। अगर आपको बिजनेस या प्रोफेशन से कोई भी प्रॉफिट या गेन हो रहा है पीजीबीपी हेड के अंदर आएगा। दूसरा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस। अगर आपको इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस मिल रहा है, ये कब मिलता है? आपने कोई ऐसी चीज का एक्सपोर्ट करा है जो सरकार की नजरों में सराहनीय है, मतलब जो सरकार अप्रिशिएट करती है। गवर्नमेंट जिस खर्चे को अप्रिशिएट करती है, वो आपने जिस एक्सपोर्ट को अप्रिशिएट करती है वो आपने एक्सपोर्ट करा है, तो उसके बदले में आपको एक एंटाइटलमेंट दिया जाता है, आपको एक सर्टिफिकेट टाइप ऑफ दिया जाता है कि भाई जिस सिचुएशन में लोग बाग इस प्रोडक्ट को या किसी भी चीज को इम्पोर्ट नहीं करवा पाएंगे, आप तब भी करवा सकते हो। अब अगर आपका इम्पोर्ट का काम नहीं है तो आप उस लाइसेंस को बेच दो। उस लाइसेंस को बेचने पर आपकी जो भी इनकम होगी वो पीजीबी हेड के अंदर आएगी। इतना इन डेप्थ में रिविजन के अंदर नहीं जाना होता क्योंकि रिविजन हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो हमें बस याद रखना है क्या क्या पॉइंट सेक्शन 28 ने बोले हैं। तो सबसे पहले बोला है पीजीबीपी से कोई इनकम हो रही है, आपको आपके बिजनेस या प्रोफेशन से कोई भी इनकम हो रही है तो इस हेड में लेकर के आओ। दूसरा बोला है आपको इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस बेचने से कोई इनकम हो रही है, इस हेड के अंदर लेके आओ। तीसरा बोला है आपको कोई भी कैश कॉम्पेंसेटरी सपोर्ट अगर मिल रहा है या फिर ड्यूटी ड्रॉबैक मिल रही है, इस हेड के अंदर लेकर के आओ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि आपको कोई भी डीपीबी या डीएफआरसी लाइसेंस बेचने पर जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो भी पीजीपी हेड के अंदर जाएगा। इसके अलावा कोई भी गिफ्ट बेनिफिट परक्यूजिट सैलरी में और अदर सोर्सेज में गिफ्ट का अमाउंट लिमिटेड है, पीजीपी के अंदर देर इज नो लिमिट। 5 रुपए का गिफ्ट मिला हो, 50 रुपए का मिला हो, 50,000 का मिला हो, 50 लाख का मिला हो, बिजनेस या प्रोफेशन में कोई भी गिफ्ट मिला है टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, एनी इंटरेस्ट सैलरी बोनस कमीशन जो किसे मिला है, पार्टनर को मिला है फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। हमने सैलरी में देखा था कि पार्टनर को जो मिलता है वो सैलरी हेड में तो नहीं जाता, तो अब देख लिया कि वो कौन से हेड में जाता है, वो आपका जाता है पीजीबीपी हेड के अंदर। नेक्स्ट इज नॉन कंपीटिंग फीस। नॉन कंपीटिंग फीस अगर आपको रिसीव हुई है तो वो भी पीजीबीपी हेड के अंदर जाएगी। नॉन कंपीटिंग फीस का मतलब क्या होता है? फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन। आपको कोई काम करने से रोकने के पैसे मिल रहे हैं, आपको वो बिजनेस नहीं करना है उस चीज के लिए अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो वो इनकम आपकी कहाँ जाएगी? पीजीपी हेड के अंदर जाएगी। कोई काम नहीं करना, नॉन कंपीटिंग फी। काम करने से रोक रहे हैं, नॉट कैरिंग आउट या फिर नॉट शेयरिंग नो हाउ पेटेंट कॉपीराइट, नॉट शेयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट, कोई भी इनकम आपको ड्राइव हुई है फ्रॉम ट्रेड प्रोफेशनल और एनी सिमिलर एसोसिएशन से, अगर आपको कोई भी इनकम ड्राइव हुई है, कैसे? ट्रेड प्रोफेशनल्स अपने मेंबर्स के लिए कोई स्पेसिफाइड सर्विस दे रहे हैं तो वो स्पेसिफाइड सर्विस जो से जो इनकम आ रही है, क्योंकि ट्रेड प्रोफेशनल्स के लिए वैसे जो इनकम आती है उसे तो इनकम बोला ही नहीं जाता ना, जो सरप्लस होता है वो इनकम नहीं होती, उस पर टैक्स नहीं लगता। बट अगर आप अपने मेंबर को कोई स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो, स्पेसिफिक सर्विस यानी जो आपका डेली रूटीन का काम नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप कोई सर्विस उसे प्रोवाइड करवा रहे हो और उसके बदले में आपको जो मिल रहा है वो ट्रेड प्रोफेशनल की इनकम होगी, कौन से हेड में? पीजीबीपी हेड के अंदर। नेक्स्ट यानी कि 9th, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन द डेट विच इज कन्वर्टेड इनटू
कैपिटल असेट, मतलब आपने इन्वेंट्री को जब कैपिटल असेट में कन्वर्ट करा, इन्वेंट्री यानी कि आपका स्टॉक इन ट्रेड को आप जब कैपिटल असेट में कन्वर्ट करोगे, तो ये कन्वर्जन के दिन जो एफएमवी थी वो आपकी पीजीबीपी हेड के अंदर जाएगी। अच्छा, जब ऑपोजिट करते हैं तो क्या होता है, तो कैपिटल गेन बात करता है, ठीक है। कैपिटल असेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हो तो इस बारे में बात कौन करेगा, इस बारे में बात करता है कैपिटल गेन। नेक्स्ट, एनी कॉम्पेंसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन और इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी टर्म्स या कंडीशंस में मॉडिफिकेशन हो रहा है या फिर टर्मिनेशन हो रहा है, उसका कॉम्पेंसेशन भी पीजीपी हेड के अंदर जाएगा। नेक्स्ट इज स्पेक्युलेशन ट्रांजैक्शन। स्पेक्युलेशन ट्रांजैक्शन से अगर आपको कुछ भी मिल रहा है, तो स्पेक्युलेशन ट्रांजैक्शन क्या होता है, हमारा जो भी इंट्राडे ट्रांजैक्शन होता है दैट इज स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन। बाकी को क्या मानते हैं, इंटरडे ट्रांजैक्शन, पीजीबीपी या कैपिटल गेन कुछ भी हो सकता है, एज द केस में भी आप जो उसे डिक्लेयर करो। अगर आप एज एन स्टॉक इन ट्रेड मानते हो तो पीजीबीपी होगा, अगर आप एज अ इन्वेस्टमेंट मानते हो तो कैपिटल गेन होगा। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्योंकि डेरिवेटिव्स होते हैं और डेरिवेटिव्स के लिए ऑलवेज क्या होता है, पीजीबीपी ही होता है। देन एग्रीकल्चर वाली भी आपकी स्पेक्युलेटिव चली जाती है। ओके, इसके अलावा आपको अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ भी मिल रहा है, देखो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी आपके तीन हेड में जाता है, पीजीबीपी, अदर सोर्स एंड सैलरी। पीजीबीपी के अंदर कब जाएगा, जब एम्प्लॉयर को रिसीव हो रहा होगा अमाउंट। ध्यान से सुनना, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट तीन लोगों को मिल सकता है, एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय की फैमिली को। अगर एम्प्लॉय को मिल रहा है सैलरी हेड में जाएगा, एम्प्लॉयर को मिल रहा है पीजीबीपी हेड में जाएगा, फैमिली को मिल रहा है अदर सोर्सेज हेड के अंदर जाएगा। ओके, नाउ ये हमारा हो गया, हमने कर लिया सेक्शन 28 एंड सेक्शन 29। नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 31। सेक्शन नंबर 31 पे चलते हैं अब हम, सेक्शन नंबर 31। तो सेक्शन नंबर 30 क्या बोलता है, 30 एंड 31 एक साथ पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 30 जो है, 30 एंड 31, सेक्शन नंबर 30-31 बात करता है एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू बिल्डिंग एंड फर्नीचर, बिल्डिंग फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी। किस बारे में बात करता है, सेक्शन 30 जो है, सेक्शन 30 आपको बोलता है रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस। किसका, बिल्डिंग का। रेंट, रेट्स, रिपेयर, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस किसका, बिल्डिंग का। किसका रेंट, रेट, रिपेयर, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, बिल्डिंग का। सेक्शन 30 बिल्डिंग के बारे में बात करता है, सेक्शन 31 आपसे बात करता है रिपेयर एंड इंश्योरेंस फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी का। ओके, नाउ इसके अंदर एक चीज बस आप ध्यान रखना कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ओनर हो या टेनेंट हो, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो दोनों को ही 100% अलाउ हो जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों को 100% अलाउड होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में ओनर जो है वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेगा, और जो टेनेंट है उसके लिए भी डीम्ड बिल्डिंग मान करके हम डेप्रिसिएशन क्लेम वो कर सकता है। अभी रेंट के लिए, अगर रेंट जेन्युइन सी बात है, रेंट अगर ओनर ने पे किया है ना तो अलाउ नहीं होएगा, रेंट अगर टेनेंट ने पे किया है तो अलाउ हो जाएगा, ठीक है। वही सेम पूरी कहानी आपकी इधर आती है, सेक्शन नंबर 31 में रेवेन्यू 100% अलाउड, कैपिटल का आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। बस इसमें रेंट की अगर मैं बात करूं तो ओनर ने जो रेंट दिया है वो अलाउड नहीं होता है, ठीक है। डन, ये हमारा सेक्शन नंबर 30 एंड 31 भी हो गया है। नेक्स्ट इज योर सेक्शन नंबर 32, यानी कि डेप्रिसिएशन। तो देखो डेप्रिसिएशन में क्या है, डेप्रिसिएशन टैंजिबल इनटैंजिबल दोनों तरीके के असेट पे मिलता है। डेप्रिसिएशन के लिए एक इंपॉर्टेंट बात, असेसी जो है वो असेट का ओनर होना चाहिए, ओनरशिप आपकी, रजिस्टर्ड ओनर भी हो सकते हो आप। यस, तो ओनरशिप के केस में कोई भी तरीके की ओनरशिप चलेगी, रजिस्टर्ड ओनर हो या फिर आप बेनिफिशियल ओनर हो, दोनों में से कोई सी भी, रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड ओनरशिप मैंडेटरी नहीं है।
बस असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द असेट, एंड सेकेंड असेट जो है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन पर्पज के लिए काम में आना चाहिए। डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम होता है? डेप्रिसिएशन जो है वो ब्लॉक ऑफ असेट पे क्लेम होता है। अब हम ब्लॉक ऑफ असेट किसे बोलते हैं? तो हम ब्लॉक ऑफ असेट बोलते हैं सेम क्लास एंड सेम रेट। ब्लॉक ऑफ असेट हम किसे बोलेंगे? ब्लॉक ऑफ असेट हम बोलेंगे सेम क्लास एंड सेम रेट के असेट को हम ब्लॉक ऑफ असेट बोलते हैं। ठीक है। डेप्रिसिएशन इज अलाउड इफ असेसी इज द बेनिफिशियल ओनर। लीज के केस में क्या होता है? डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करेगा? लेसर क्लेम करेगा, चाहे फाइनेंशियल लीज हो चाहे ऑपरेटिंग लीज हो, किसी भी टाइप की लीज हो डेप्रिसिएशन जो है वो लेसर क्लेम करेगा। हायर परचेज के केस में असेसी को ओनरशिप मिलती है लास्ट पेमेंट के बाद ही, लेकिन डेप्रिसिएशन वो बिगिनिंग से क्लेम कर सकता है। क्या मैंने दो अलग बातें बोली? लीज के केस में लेसर क्लेम करेगा, हायर परचेज के केस में स्टार्टिंग से ही आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी होता है आपके लिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, डेप्रिसिएशन आपको कब से मिलेगा? जब से आपने असेट को एक्चुअली पुट टू यूज करा है, एंड नॉट रेडी टू यूज। रेडी टू यूज का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर मीनिंग है पुट टू यूज से। ठीक है। ट्रायल ट्रायल रन करा है, ट्रायल रन में आपका कुछ भी फायदा हो गया उसे भी हमें कंसिडर नहीं करना है। ट्रायल रन एक्सपेंसेस वगैरह को अभी यहाँ डेप्रिसिएशन के लिए हमें नहीं लेना है। नाउ वैसे तो डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स ने बोला कि जो हमने रेट डिसाइड कर रखी है उस रेट से आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। क्या? कि अगर आप असेट को पुट टू यूज करते हो 180 डेज से कम, यानी कि अगर मैं करंट प्रीवियस ईयर की बात करूं, तो अगर आपने असेट को 4 अक्टूबर के बाद में पुट टू यूज करा है, 180 दिन से कम के लिए अगर आपने प्रीवियस ईयर में असेट को पुट टू यूज करा है, तो आपको हाफ रेट से डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये बात केवल कब एप्लीकेबल है? जब एक्विजिशन और पुट टू यूज सेम ईयर का हो। अगर जिस साल में आपने असेट को एक्वायर करा है उस साल में आपने उसे पुट टू यूज नहीं करा, जिस साल में असेट को एक्वायर करा उस साल में आपने इसे पुट टू यूज नहीं करा, तो अगले साल में ये हाफ रेट वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। फुल रेट से आप डेप्रिसिएशन ले सकते हो। डेप्रिशिएबल असेट कितने टाइप के होते हैं? टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल में आपका आता है बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, और इनटेंजिबल के अंदर आता है आपका पेटेंट, नो हाउ, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। गुडविल भी इनटेंजिबल होती है, लेकिन गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। यही चार आपकी क्लासेस है, क्लास 1, 2, 3 एंड 4। ये चार क्लासेस में ही आपका इनकम टैक्स का कोई भी असेट जाता है, इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा। ये अलग अलग रेट्स हैं। रेट्स आप सेल्फ रीड करेंगे। रेजिडेंशियल के लिए 5%, नॉन रेजिडेंशियल 10%, टेम्पररी 40%। फर्नीचर के केस में एक ही रेट है 10%। प्लांट एंड मशीनरी जनरल वाली अगर है तो 15% की रेट है। मोटर कार 15%, मोटर बस, मोटर लॉरी वगैरह वगैरह अगर आपने हायर बिजनेस तो 30%। ये बहुत सारी रेट्स हैं। रेट्स आपको सेल्फ एक बार आप रिकॉल कर लेना। ठीक है। मेन आप 40% की याद रखो, क्योंकि एनी काइंड ऑफ बुक, एनी इक्विपमेंट, लैपटॉप वगैरह इन सब के ऊपर, एरोप्लेन, एरो इंजन, इन सब के ऊपर 40% की रेट लगती है। इनटेंजिबल के ऊपर आपकी 25% की रेट लगती है। एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट नहीं बनेगा टी बुशेज एंड लाइफ स्टॉक। टी बुशेज एंड लाइफ स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट नहीं बनेगा, तो फिर किसका पार्ट बनेगा? किसी का भी पार्ट नहीं बनेगा। देखो, ये फर्नीचर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, इंटेंजिबल नहीं है, इसीलिए प्लांट एंड मशीनरी पे बात हुई। लेकिन यहां से भी क्या बोला कि हम इसे प्लांट एंड मशीनरी का भी पार्ट नहीं मानेंगे। ओके, नाउ डेप्रिसिएशन के लिए WDV कैसे लेनी है? तो सबसे पहले आपको कॉस्ट ऑफ असेट फाइंड करनी है। ड्यूरिंग द ईयर आपने जो भी असेट एक्वायर करा है उसकी कॉस्ट आपको निकालनी है। तो उस असेट की कॉस्ट क्या होगी? परचेज प्राइस, जितने में आपने असेट को खरीदा है वो, प्लस
इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बैंक चार्जेस, ट्रायल रन एक्सपेंसेस, देखो आपका ट्रायल रन एक्सपेंस इधर आया। पुट टू यूज से पहले, जब आप एक्चुअल पुट टू यूज से पहले ट्रायल रन करते हो, मशीन का ट्रायल टेस्ट लेते हो ना, तो वो ट्रायल रन के जो खर्चे हैं वो आपके कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएंगे। एनी टैक्सेस एंड ड्यूटीज, अगर ITC नहीं है, अगर आपको उसका क्रेडिट वापस नहीं मिल रहा है, तो वो टैक्सेस एंड ड्यूटीज भी आपका इसके अंदर आ जाता है। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर असेट पुट टू यूज, असेट के पुट टू यूज होने तक का जो इंटरेस्ट है वो भी कैपिटलाइज होता है। ऑल राइट, क्योंकि उसके बाद का तो कहाँ जाता है, पुट टू यूज के बाद का जो असेट है वो आपको 36 के अंदर रिडक्शन मिल जाती है। आगे पढ़ेंगे इस चीज को। नाउ अगर आपको ट्रायल रन में, भाई ट्रायल रन अगर आपका सपोज 1,500 कुछ पीस सक्सेसफुल हो गए, वो आपने बेच दिया, ट्रायल रन के एक्सपेंस का इधर डिडक्शन दिया, तो अगर ट्रायल रन से कोई इनकम हुई है तो उसको भी तो इधर माइनस करोगे ना। ओके, नेक्स्ट इज आपको गवर्नमेंट से कोई भी सब्सिडी या ग्रांट मिला है उस असेट को एक्वायर करने में, ये करके आपकी असेट की एक्चुअल कॉस्ट आ गई। अच्छा, ये ध्यान रखना, जिस असेट के लिए आपने पेमेंट सिंगल डे में 10,000 से ऊपर करा है, 10,000 वाला प्रोविजन यहाँ पर लगेगा, वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। 10,000 से ऊपर सिंगल डे सिंगल पर्सन को पेमेंट करा है अगर आपने, अदर देन बाय वे ऑफ स्पेसिफाइड मोड, मतलब आपने कैश में या चेक से, चेक आपका कौन सा, कैश या आपका क्रॉस चेक से अगर आपने पेमेंट करा है तो वो हम नहीं मानेंगे। ठीक है, नो, ये तो आपने कॉस्ट निकाली। अब आप फाइंड करोगे WDV ऑफ ब्लॉक, तो ब्लॉक का WDV कैसे निकाला जाता है, बिगनिंग में क्या WDV थी उस ब्लॉक की, स्टार्टिंग में क्या WDV थी, स्टार्टिंग की WDV कैसे आएगी, जो आपकी पिछली बार की WDV होगी वो, उसमें आपको ऐड करना है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो अभी हमने ऊपर कंप्यूटेशन करी। ऊपर कंप्यूटेशन किसकी करी, कितना असेट आपने एक्चुअली एक्वायर करा है वो आपको ऐड कर देना है, उसमें से लेस कर दोगे आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई भी असेट अगर बेचा है तो। डन, ये करने के बाद में आपका आएगा WDV, और इस WDV के ऊपर आपको लगाना है डेप्रिसिएशन। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। तो ये आपने WDV निकाल ली, WDV में, अच्छा एक बात का ध्यान रखना, जब आप ये कंप्यूटेशन कर रहे होते हो तो उस समय पे ये जो आप ड्यूरिंग द ईयर परचेज ऐड करते हो, इसे आप दो पार्ट्स में लिखोगे, एक तो एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज 180 डेज से ज्यादा, और एक एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज अप टू 180 डेज, सो दैट आपकी जो कंप्यूटेशन है ना वो कंप्यूटेशन थोड़ी सी ईजी हो जाती है। ओके, नाउ परचेज प्राइस कब हम ऐड करते हैं, जब वो असेट एक्वायर एंड पुट टू यूज सेम ईयर में हुई होती है तो ही, अगर सेम ईयर में नहीं हुई है तो आप परचेज प्राइस ऐड नहीं करोगे। तो कहाँ करेंगे, अगले साल की WDV में ऐड करोगे। ओके, नाउ डेप्रिसिएशन का और एक और छोटे से बात, सेक्शन 50 यानी कि स्पेशल प्रोविजन, वो क्या बताता है डेप्रिशिएबल असेट के बारे में, तो WDV निल लेकिन ब्लॉक एग्जिस्ट करता है, और दूसरा आपका जो ब्लॉक है वही क्या हो गया, सीज टू एग्जिस्ट, ब्लॉक ही खत्म हो गया। देखो WDV निल कब आती है, जब आपने एक ब्लॉक के सारे असेट नहीं बेचे हैं, आपने ब्लॉक के सारे असेट नहीं बेचे हैं, सपोज ब्लॉक के अंदर 5 असेट थे, ठीक है, जैसे ए एंड बी और सी, एक न्यू असेट आप लेकर के आए हो, ब्लॉक के अंदर आपके पास 3 असेट थे फॉर एन एग्जाम्पल ए बी, और सी जो है वो आपका न्यू असेट है, WDV इधर मैंने लिख दी है 2 लाख, प्लस ड्यूरिंग द ईयर मैंने परचेज करा, मतलब सी जो मैंने परचेज करा वो करा था 1 लाख का, तो टोटल आ गया हमारे पास 3 लाख। अब इस 3 लाख में से मैंने क्या करा, मैंने ए और बी को बेच दिया कितने में, 4 लाख में, तो मेरा ब्लॉक तो एग्जिस्ट कर रहा है, मेरी डेप्रिसिएशन की कंप्यूटेशन तो वैसे ही चलती रहेगी, किसके ऊपर, जो ब्लॉक की WDV आएगी। ब्लॉक की WDV तो कुछ है ही नहीं ना, जब कुछ ब्लॉक की WDV ही नहीं है, निल WDV है, तो डिप्रिसिएशन किस पे लोगे, इसीलिए हम इसे बोलते हैं कि WDV निल लेकिन ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट, तो आप इसे क्या बोल दोगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। या फिर जब ब्लॉक ही सीज टू एग्जिस्ट हो जाता है, मतलब आपका ब्लॉक ही खत्म हो गया है,
दैट मीन्स आपने सारे के सारे असेट उस ब्लॉक के बेच दिए हैं. ओके, तो अगर आपका ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट हो गया या फिर आपकी WDV निल आ जाती है, तो उस केस में हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एज द केस मे बी. ओके, चलो आगे चलते हैं. तो कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग योर पावर जनरेटिंग यूनिट. तो देखो, कहीं पर भी ना डेप्रिसिएशन के केस में आपको ऑप्शन नहीं दिखा होगा, आपको WDV लेना है या फिर आपको SLM लेना है. बट पावर जनरेटिंग के केस में इन्हें ऑप्शन दिया है कि आप WDV लोगे या फिर आप SLM लोगे, लेकिन साथ साथ में ये बोल रहा है कि जो मेथड आप एक बार ऑप्ट कर लिए, फिर आपको उसी मेथड को आजीवन निभाना है. ठीक है, तो अगर आप SLM लेते हो, WDV लेते हो, तो पूरी की पूरी कहानी सेम रहेगी, लेकिन अगर आप SLM लेते हो तो आपके लिए थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज एक्स्ट्रा बढ़ जाती है. क्या एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजीज हो जाती है SLM के केस में? आपने सेलिंग प्राइस, देखो आपने एसेट को बेचा, तो या तो आपकी WDV ज्यादा होगी या तो आपकी WDV कम होगी सेलिंग प्राइस से, या फिर आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट को भी एक्सीड कर जाएगी. WDV को तो कर ही रही है, जो ओरिजिनल कॉस्ट है ना उस ओरिजिनल कॉस्ट को भी एक्सीड कर रही है. तो अगर सेलिंग प्राइस कम होती है WDV से, तब तो आता है टर्मिनल डेप्रिसिएशन. सेलिंग प्राइस कम होती है WDV से, तब आता है हमारा टर्मिनल डेप्रिसिएशन. और अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है WDV से, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है WDV से, तो हमारा आता है बैलेंसिंग चार्ज. नाउ आपने असेट बेचा और ये आपने असेट कॉस्ट के भी ऊपर अगर बेच दिया, तो WDV तक तो आपका क्या मान लेंगे हम, अगर आपने कॉस्ट के भी ऊपर बेचा है WDV तक, तो वो हो जाएगा बैलेंसिंग चार्ज, एंड अबव WDV वो हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट एडिशनल डेप्रिसिएशन. एडिशनल डेप्रिसिएशन किस पे मिलता है? प्लांट एंड मशीनरी पे मिलता है बाय एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग. एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको केवल और केवल प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा. कौन सी वाली प्लांट एंड मशीनरी? जो मैन्युफैक्चरिंग के काम में आ रही है. ओके, 31/3/2005 के बाद ही मिलेगा. एन असेसी एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल, एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिल जाएगा उसे? 20% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, नॉट WDV. ध्यान रखना इधर 20% WDV का नहीं है, 20% किसका है? एक्चुअल कॉस्ट का है. तो एक्चुअल कॉस्ट का 20% उसे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा. एडिशनल डेप्रिसिएशन 50% ही रहेगा, सेम 180 दिन वाला केस सेम. लेकिन यहाँ पर एक चीज इन्होंने एक्स्ट्रा बोली है कि जो बचा हुआ 50% है वो आप अगले साल में काम में ले सकते हो. जैसे सपोज इस साल में अगर आपने 10% ही क्लेम करा, क्योंकि आपका जो पुट टू यूज था वो पुट टू यूज आपका जो है वो 180 दिन से कम का था, तो जो रिमेनिंग 10% है वो आप नेक्स्ट ईयर में क्लेम कर सकते हो. एडिशनल डेप्रिसिएशन किस किस के लिए नहीं मिलेगा? सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी के लिए नहीं मिलेगा. ऐसी प्लांट एंड मशीनरी जो आपने इंस्टॉल करा रखी है, कहाँ पर? एनी प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन अदर प्रिमाइसेस, यानी कि रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, गेस्ट हाउस, ठीक है, ऑफिस अप्लायंसेस के ऊपर नहीं मिलता है. ऑफिस अप्लायंसेस एंड रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, आपको ऑफिस अप्लायंसेस के ऊपर या फिर रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ऊपर ये नहीं मिलेगा. एनी मशीनरी जिसपे आपने 35AD ऑलरेडी क्लेम करा हुआ है, क्योंकि आप 35AD के अंदर ऑलरेडी डिडक्शन ले चुके होते हो, तो 35AD वाले एसेट के ऊपर भी आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. कौन सा डेप्रिसिएशन? एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा. ठीक है, ब्लॉक अगर निल भी होता है तो भी एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा. ओके, पावर जनरेशन अंडरटेकिंग भी एलिजिबल है एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए, अगर वो WDV वाला मेथड ऑप्ट करते हैं तो.
अगर वो SLM वाला ऑप्ट करते हैं तो वो एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर WDV वाला ऑप्ट करते हैं तो डेफिनेटली एलिजिबल है। नेक्स्ट इज बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग और प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग ऑफ एन आर्टिकल इज ऑल्सो एडिशनल डेप्रिसिएशन। कहीं आप बोलो कि इनका मैन्युफैक्चरिंग का क्या काम हो रहा है, तो जो प्रिंटिंग या पब्लिशिंग ऑफ आर्टिकल में है वो भी एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, ऐसा डेप्रिसिएशन जो अभी तक आपने एडजस्ट नहीं करा है। तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का सेट ऑफ होता है, आप कितने भी साल में उसको सेट ऑफ कर सकते हो फ्रॉम एनी हेड अदर देन योर सैलरी एंड लॉटरी। कैरी फॉरवर्ड में वही इन्फिनिटी तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अमलगमेशन डीमर्जर के केस में क्या करना है, सिंपल सा ध्यान रखो, जैसे डेप्रिसिएशन कंप्यूट करते हो वैसे ही डेप्रिसिएशन क्लेम कंप्यूट करो आप अमलगमेशन और डीमर्जर के केस में। लास्ट में जाकर के उसे नंबर ऑफ डेज में आप डिवाइड कर दो। जी, तो अमलगमेशन और डीमर्जर के केस में जैसे आप डेप्रिसिएशन कंप्यूट करते हो वैसे ही कंप्यूट करना है, बस लास्ट में जाकर के उसे आप क्या कर दोगे, अलग अलग बाइफर्केट कर दोगे ऑन द नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज के बेसिस में जितना टाइम अमलगमेटेड कंपनी थी उतना टाइम उसको, और जितना टाइम अमलगमेटिंग कंपनी थी उतना टाइम उसको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज 35AD। 35AD किसके बारे में बात करता है, स्पेसिफाइड बिजनेस के बारे में बात करता है। तो अगर आप इस 35AD में मेंशन स्पेसिफाइड बिजनेस पे जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो वो 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको क्या हो जाता है, एज अ डिडक्शन अलाउड हो जाता है। 100% डिडक्शन आपको अलाउड हो जाती है बिजनेस के लिए अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस में करते हो। तो स्पेसिफाइड बिजनेस किस बारे में बात करता है, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग, मतलब ये बिजनेस ऑपरेट भी आपको करना है और मेंटेन भी आपको ही करना है एक्सेप्ट होटल एंड हॉस्पिटल। तो क्या क्या बिजनेस के बारे में बात करता है, कोल्ड चेन, होटल, हॉस्पिटल, हाउसिंग, फर्टिलाइजर्स, हनी, वेयर हाउस, शुगर का ध्यान रखना, वेयर हाउस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, इनलैंड कंटेनर डिपो, स्लरी पाइपलाइन, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इनलैंड स्लरी पाइपलाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये सब आपके 35AD के अंदर जाते हैं। तो इन पे आप जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो आपको 100% अलाउड होता है। 35AD के बारे में थोड़ी सी स्पेशल बातें, अदर कंडीशंस फॉर 35AD की, 35AD में वैसे तो देखो सारी की सारी प्लांट एंड मशीनरी नहीं होती है, लेकिन जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लांट एंड मशीनरी है वो कितनी हो सकती है, वो आपकी 20% तक हो सकती है। फिर अगर आप कोई प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करवा रहे हो, आप सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी अगर इंपोर्ट करवाते हैं तो वो भी चलेगी, बस कुछ शर्तें हैं इंपोर्ट की। प्लांट एंड मशीनरी इंडिया में पहले कभी यूज नहीं होनी चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट हुई होनी चाहिए, और उसके रिस्पेक्ट में कोई भी डिडक्शन असेसी ने प्रीवियसली नहीं ली होनी चाहिए। ऐसी असेट को हम न्यू असेट मान लेते हैं, भले ही हो वो पुरानी पर हम न्यू मान लेते हैं अगर आप ये कंडीशन फुलफिल करते हो। तो फिर पेमेंट वाली बात इधर भी लगती है, 10,000 से ज्यादा का पेमेंट अगर आप करते हो थ्रू अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट या फिर ECS, वही क्वालिफाई होगा। इसके अलावा अगर आप कैश में, अगर आप क्रॉस चेक में या बेयरर चेक में पेमेंट करते हो तो वो क्लासिफाई नहीं होगा। ओके, एक्सपेंडिचर इनकर्ड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन, वो जितना आपने कैपिटलाइज कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उतनी डिडक्शन मिल जाएगी। बिजनेस कमेंस होने से पहले कि आपने जो खर्चे करे हैं तो वो अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज करे हैं तो आपको रिडक्शन मिल जाएगी, अदरवाइज आपको रिडक्शन नहीं मिलेगी। अच्छा, इसके अंदर आपको 10AA की और Chapter 6A की रिडक्शन नहीं मिलती है। ठीक है, 8 साल तक आप ट्रांसफर नहीं करो। अगर आपने 8 साल में स्पेसिफाइड असेट वाले बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया तो फिर क्या होगा, अगर आपने 8 साल में ट्रांसफर कर दिया है तो जो कॉस्ट था उसमें से हम डीम्ड डेप्रिसिएशन लेस करके WDV निकाल देंगे। ओके, फिर आता है आपका सेक्शन नंबर 37। तो सेक्शन नंबर 37 क्या बात करता है,
सेक्शन नंबर 37 हमें बोलता है जनरल डिडक्शंस के बारे में, मतलब हम आपको अलग अलग ऐसे बहुत सारे नाम नहीं बताएंगे, हमने कुछ जनरल डिडक्शंस बता दी है कि अगर असेसी ये कंडीशंस फुलफिल करता है तो उस अमाउंट को आप डिडक्शन मान लो। क्या क्या कंडीशन? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए, दूसरा एक्सक्लूसिवली बिजनेस या प्रोफेशन पर्पस के लिए होना चाहिए, और तीसरा लीगल होना चाहिए। अगर कोई भी खर्चा ये तीनों कंडीशंस को फुलफिल करता है, मतलब रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए है एंड लीगल है, तो उसे 37 के अंदर जगह मिल गई। क्योंकि 37 जो है, जो 30 से 36 के अंदर नहीं गया वो 37 के अंदर जाता है। ना, क्या इसके अंदर कुछ नाम दे रखे हैं? क्या 37 के अंदर कुछ स्पेसिफिक लिस्ट दे रखी है? तो हाँ बिल्कुल, हम कुछ कुछ उस लिस्ट के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला CSR, CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको अलाउ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि CSR के लिए भी गवर्नमेंट क्या बोलती है, आप इतना कमा रहे हो या आप सोशली खर्चा कर रहे हो तो ये करना आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद है, हम इसकी डिडक्शन आपको नहीं देंगे। डिविडेंड एंड DDT की भी नहीं मिलती है, ब्राइब की भी नहीं मिलेगी। फिर आप कोई भी एक्सपेंडिचर कर रहे हो फॉर एडवर्टाइजमेंट इन ब्रोशर, सोविनियर, पैम्फलेट एटसेट्रा पब्लिश बाय पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी ने अगर कुछ भी ऐसा पब्लिश करवाया है तो उस चीज की भी रिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। ओके ना, कॉन्ट्रीब्यूशन टू इलेक्टोरल ट्रस्ट या फिर एनी अदर सच डोनेशन, वो भी अलाउड नहीं होएगा। अगर आप इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन देते हो, एनी प्रोविजन, आप किसी भी तरीके का प्रोविजन बनाओ, कोई भी प्रोविजन की रिडक्शन इनकम टैक्स के अंदर नहीं मिलती है। शेयर इशू एक्सपेंस, IPO, FPO, राइट इशू नॉट अलाउड, बायबैक बोनस अलाउड होता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपको अलाउड होते हैं। शेयर इशू एक्सपेंस के अंदर बस आप इतना सा याद रखो कि अगर आपने IPO, FPO या राइट इशू करा है तो वो अलाउड नहीं होएगा, अगर आपने बायबैक या बोनस करा है तो वो अलाउड हो जाता है। नाउ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कुछ है तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी आपका अलाउड हो जाएगा। ठीक है, कोई भी फ्रीबीज मिलते हैं भाई, फार्मा कंपनीज डॉक्टर्स को कुछ फ्री में मिलती है, दे रही है, तो वो भी अलाउड नहीं होएगा, वो खर्चा अलाउड नहीं है। किसके लिए दे कौन रहा है? फार्मा कंपनीज दे रही है, तो फार्मा कंपनीज अगर वो एक्सपेंडिचर दिखाना चाहेगी तो वो एक्सपेंडिचर हम अलाउ नहीं करेंगे। डॉक्टर को कोई कमीशन मिल रहा है डायग्नोस्टिक सेंटर से, वो भी अलाउ नहीं होगा। आपका डिबेंचर पे अगर कोई भी इशू एक्सपेंसेस लग रहा है या फिर डिस्काउंट ऑन डिबेंचर है तो वो आपका अलाउ हो जाएगा। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी अलाउड, ये हमने स्टार्टिंग में पहले ही देख लिया है। ठीक है, फिर इसके अलावा कोई भी टैक्सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, तो टैक्स, एडवांस टैक्स या फिर TDS इनकम का है, आपको पहले देखना है इनकम टैक्स है या फिर इनडायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स है तो टैक्स, एडवांस टैक्स, TDS अलाउ नहीं होगा अंडर इनकम टैक्स। ओके, इंटरेस्ट जो है वो भी अलाउ नहीं होता है, इंटरेस्ट अलाउ नहीं होता, टैक्स, एडवांस टैक्स, TDS अलाउ नहीं होता, पेनल्टी भी अलाउ नहीं होती है। IDT की ओनली पेनल्टी अलाउ नहीं होती है, टैक्स, एडवांस टैक्स, TDS अलाउ हो जाएगा और इंटरेस्ट भी अलाउ हो जाएगा। रिफंड, अगर आपको डायरेक्ट टैक्स का रिफंड मिलता है तो वो अलाउड हो जाता है, और इंडायरेक्ट टैक्स का रिफंड मिलता है तो वो नॉट अलाउड एज अ रिडक्शन, यानी कि टैक्सेबल हो गया। पेनल्टीज, अगर आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करा है तो अलाउड है, कोई अदर वायलेशन कराया है तो नॉट अलाउड। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। तो साइंटिफिक रिसर्च के बारे में आप केवल और केवल इतनी सी बात याद रख लीजिए, इन हाउस एक्सपेंडिचर करा है या फिर आउटसाइड कंट्रीब्यूशन करा है। अगर आपने इन हाउस रिसर्च करा है तो आप ध्यान रखो, तो आपको ये देखना है कि आपने जो कंट्रीब्यूशन करा है वो बिजनेस कमेंस होने से पहले का है या फिर बिजनेस कमेंस होने के बाद का है। अगर जो बिजनेस कमेंस होने से पहले का है तो बिजनेस कमेंस होने से 3 साल पहले तक के खर्चे आपको अलाउ होते हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल, कैपिटल एक्सेप्ट लैंड। रेवेन्यू में कौन सा होएगा? आपकी सैलरी एंड मटेरियल, सैलरी में परक्विजिट्स नहीं आते हैं। कमेंस होने से पहले क्या बोला मैंने, बिजनेस कमेंस होने से पहले के 3 साल तक आपको रेवेन्यू और कैपिटल का खर्चा अलाउ हो जाएगा, जब आप बिजनेस कमेंस करोगे तब। Now,
कौन सा खर्चा वाला होता है कमेंट्स होने से पहले वाला, तो आपको रेवेन्यू के अंदर तो सैलरी और मटेरियल और आपके कैपिटल के अंदर लैंड के अलावा बाकी सब है। आफ्टर कमेंसमेंट तो हर खर्चा अलाउ होता है, रेवेन्यू कैपिटल कुछ भी नेचर का हो, कैपिटल में लैंड नहीं अलाउ होगा। आउटसाइड कंट्रीब्यूशन अगर आप अप्रूव्ड जगह पर करते हो तो 100% अलाउड हो जाता है, बस इतना सा ध्यान रखना है आपको इस सेक्शन के लिए, ठीक है? थोड़ी बहुत बातें, और अगर अप्रूवल बाद में विड्रॉल हो जाता है तो आपकी डिडक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अनअब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर सेट ऑफ वही सेम अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की तरह। साइंटिफिक रिसर्च का असेट अगर आप बेच देते हो तो सेल अमाउंट या फिर डिडक्शन विच एवर इज लोअर टैक्सेबल हो जाएगा पीजीबी हेड में, ठीक है? फिर एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन करते हैं हम, कैश पेमेंट सेक्शन, यानी कि सेक्शन 40A3। ये क्या बोलता है कि अगर आपने सिंगल डे में सिंगल पर्सन को 10,000 से ज्यादा का पेमेंट करा है, इन एक्सेस ऑफ 10,000, 10,000 से ज्यादा का पेमेंट करा है कौन से मोड से, बाय वे ऑफ कैश, बेयरर चेक या फिर क्रॉस चेक, तो वो 100% डिसअलाउड हो जाएगा। 100% पेमेंट डिसअलाउड हो जाएगा। इस चीज के ऊपर बहुत 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 फोकस करना, एक्सेस नहीं, 100% पेमेंट डिसअलाउड हो जाता है। 10,000 की लिमिट को 35,000 कर दिया गया है ट्रांसपोर्टर्स के लिए, ओके? नॉन एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, तो इसकी नॉन एप्लीकेबिलिटी आती है रूल 6DD के अंदर। वो क्या बोलता है कि आप अकाउंट पे ही चेक, डिमांड ड्राफ्ट या फिर कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक मोड से अगर पेमेंट करते हो तो 10,000 की लिमिट नहीं है। अगर आप बैंक, LIC, गवर्नमेंट को कर रहे हो तो भी लिमिट नहीं है। आप किसी ऐसी जगह पर हो, ऐसे विलेज में हो जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, आपको रिटायरमेंट बेनिफिट अप टू 50,000 मिल रहा है, ठीक है? आपको आपकी नॉर्मल प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट से उठा करके किसी दूसरी जगह पटका है और 15 दिन से ऊपर के लिए पटका है, तो ऐसे में अगर आपकी सैलरी आपको कैश में मिल रही है तो वो उस पर भी 10,000 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। आप प्रोड्यूसर एग्रीकल्चर को कुछ देते हैं या फिर आप करते हो बाय पेमेंट बाय वे ऑफ बुक एंट्री। ये था 40A3। नेक्स्ट इज 40A2, यानी कि स्पेसिफाइड पर्सन। तो सबसे पहले आप ये समझो कि इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफाइड पर्सन का कौन होता है, तो सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, सेल्फ के माता पिता, फिर सेल्फ के माता पिता के भी माता पिता यानी कि लीनियल असेंडेंट, देन सेल्फ के बेटा बेटी, बेटे का बेटा बेटी, दैट मींस मैटरनल परिवार आगे नहीं बढ़ा, पैटर्नल परिवार आगे बढ़े जा रहा है, ओके? तो इंडिविजुअल के केस में स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, लीनियर असेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट। HUF के केस में मेंबर्स प्लस रिलेटिव ऑफ मेंबर्स। कंपनी के केस में डायरेक्टर और उसके रिलेटिव, फर्म के केस में पार्टनर और उसके रिलेटिव। सारे एसएलसीज मतलब कंपनी के लिए क्या बोला है कि स्पेसिफाइड पर्सन कब मान लेंगे, जब आपका बिजनेस के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, यानी कि 20% और मोर वोटिंग पावर को हम सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बोलते हैं, ओके? अगर अभी बात क्या थी कि आपने इन स्पेसिफाइड पर्सन को अगर FMV से ऊपर कोई भी पेमेंट करा है, FMV से ऊपर अगर आपने कोई भी पेमेंट करा है इन स्पेसिफाइड पर्सन को, तो वो एक्सेस पेमेंट आपका क्या हो जाएगा, डिसअलाउड, एक्सेस डिसअलाउड। 43B यानी कि एक्चुअल पेमेंट बेसिस, तो एक्चुअल पेमेंट बेसिस बेसिकली बस इतना सा ध्यान रखो कि सरकारी या फिर एम्प्लॉय, तो एनी टैक्स ड्यूटी सेस, कोई भी टैक्सेस ड्यूटी सेस पेमेंट बेसिस पे मिलेगा। इसका एक एग्जांपल आप म्युनिसिपल टैक्स पढ़े थे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये भी पेमेंट बेसिस पर ही डिडक्शन मिलेगी। बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को कमीशन या बोनस मिलता है वो पेमेंट बेसिस पे जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन, किसको इंटरेस्ट ऑन लोन, टू स्केड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज लीव एंड कैश फंड एम्प्लॉय को। उसके बाद रेलवे के एम्प्लॉय को फॉर द यूज ऑफ रेलवे असेट, ठीक है? तो हमने पेमेंट बेसिस पर जितनी भी बातें पढ़ी कि पेमेंट बेसिस पे आपको रिडक्शन मिलती है, कब तक पेमेंट करने पर रहेगा ये इसका जो प्रोविजन है, अगर आपने अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक पेमेंट कर दिया तब तो डिडक्शन करंट ईयर में मिल जाएगी, और अगर आप रिटर्न फाइलिंग के बाद में पेमेंट करते हो
इन द ईयर ऑफ पेमेंट, जब आपने पेमेंट किया तब आपको इसकी डिडक्शन मिलेगी. ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, केवल बैंक गारंटी फर्निश करना हम नहीं मान लेंगे, कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एक्चुअल पेमेंट. अगर आप इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट करवाते हो, मतलब आपका इंटरेस्ट का पेमेंट चल रहा है और आपने उस इंटरेस्ट को लोन में ही ऐड करवा दिया. सपोज मेरा इंटरेस्ट जो है, मेरा इंटरेस्ट बन रहा था फॉर एन एग्जाम्पल 10 लाख, ठीक है, और मेरा जो लोन था, मेरा लोन था 1 करोड़ का. मैंने बोला कि इस लोन के अमाउंट में ही आप इस इंटरेस्ट को क्या कर दो, ऐड कर दो, और मेरा टोटल अमाउंट जो है वो कर दो 1 करोड़ 10 लाख. देन सच कन्वर्जन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पेमेंट. कि मात्र ये कन्वर्जन पेमेंट नहीं माना जाएगा, जब आप एक्चुअली पेमेंट करोगे तभी हम पेमेंट मानेंगे. हाउएवर व्हेन इंस्टॉलमेंट ऑफ सच कन्वर्जन इज पेड, देन इट इज अलाउड एज डिडक्शन. केवल ये कन्वर्जन कि हाँ भाई मैंने लोन अपने इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट कर दिया, केवल और केवल कन्वर्जन करवाया है, पेमेंट नहीं करा. ओके, आगे आती अदर डिडक्शन, यानी कि बैड डेट्स से रिलेटेड, मतलब सेक्शन नंबर 36 में सबसे पहले आती है आपकी बैड डेट्स की. तो अगर एक्चुअल बैड डेट है, देखो बैड डेट आपको केवल सेल से रिलेटेड अलाउ होते हैं, अगर लोन से रिलेटेड बैड डेट है तो वो अलाउ नहीं होते हैं. एक्सेप्ट कि आपका काम ही क्या है, आपकी सेल ही है पैसा, आपकी सेल ही क्या, आपका प्रोडक्ट ही क्या है, पैसा है. तो अगर सेल है तो अलाउ, लोन है तो नॉट. प्रोविजन, प्रोविजन मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्रोविजन पैसा भी अलाउ नहीं होता है, लेकिन प्रोविजन पर बैड डेट अलाउ हो जाएगा किसको, बैंक्स. हम लोगों को नहीं होगा, बैंक को अलाउ होगा, क्योंकि बैंक का देखो काम होता है पैसा देना, और वो डूबना, डूबने की रिस्क तो वो रखेगा ही ना डेफिनेटली, ठीक है. बैड डेट शुड हैव बीन रिटन ऑफ इन द प्रीवियस ईयर इन विच डिडक्शन इज क्लेम. जिस ईयर में आपने डिडक्शन क्लेम करी है उस साल में आपने वो बैड डेट एक्चुअली में शो करे होने चाहिए. बिकॉज देखो बैड डेट ना कोई जनरली शो नहीं करता है बड़ी आसानी से. हम काफी हद तक कोशिश करते हैं अपना पैसा रिकवर कराने की, और उसी के बाद में हम बैड डेट डिक्लेयर करते हैं, पहले से नहीं करते. तो बैड डेट जब आपने एक्चुअली राइट ऑफ करे हो प्रीवियस ईयर में, तभी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो. इनकम कंप्यूट करने के लिए डेट आपने कंसिडर किया हो, नाउ रिकवरी ऑफ बैड डेट, बैड डेट की रिकवरी टैक्सेबल हो जाती है. कितनी, अप टू द अमाउंट बैड डेट रिकवर्ड इन एक्सेस ऑफ नॉट रिटन ऑफ, जितना राइट ऑफ नहीं करा उससे ऊपर जो है. जैसे इधर अगर मैं एग्जाम्पल से आपको बताऊं, तो सपोज आपका बैड डेट था 1 लाख का, 60,000 रिटन ऑफ, 40,000 नॉट रिटन ऑफ. अब आपको रिकवरी हुई है 35,000 की, रिकवरी कितने की हुई है, 35,000 की. तो आपके लिए टैक्सेबल क्या होगा, निल. नाउ अगर आपको रिकवरी हुई है 45,000 की, तो आपके लिए टैक्सेबल क्या होगा, 5,000. क्यों, क्योंकि आपने 40,000 नॉट रिटर्न ऑफ था, 40,000 तक का अमाउंट आपने राइट ऑफ नहीं कर रखा, 40,000 के ऊपर जितना अमाउंट है वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स फॉर बैंक्स. अब बैंक्स को हमने बोला प्रोविजन हम किसी और को अलाउ नहीं करेंगे, प्रोविजन केवल एक को अलाउ करेंगे, और वो एक कौन है, बैंक्स. तो बैंक को अगर आप प्रोविजन अलाउ कर रहे हो, कितना प्रोविजन अलाउ करेंगे बैंक को, तो इंडियन बैंक है या फिर फॉरेन बैंक है. सबसे पहले आपको ये चेक करना है इंडियन बैंक है या फिर फॉरेन बैंक है. अगर जो तो वो इंडियन बैंक है, तो स्केड्यूल नॉन स्केड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स के केस में ही अलाउड होएगा. कितना, 8.5% GDI का, प्लस 10% अगर आप कोई एडवांस दे रहे हो, आप रूरल ब्रांच ने जो भी एडवांस दिया है वो, तो दैट मींस एक तरीके से कितना हो गया, 18.5 हो गया, अगर आपकी रूरल ब्रांचेस एडवांस देती है तो. अगर नहीं देती है तो फिर 8.5% ऑफ योर GTI. देखो दो रेट आती है इसके अंदर, 8.5% ऑफ योर GTI एंड 10% ऑफ योर एग्रीगेट एवरेज एडवांस. तो दो रेट्स आपको आती है अगर आप प्रोविजन की बात करो इंडियन बैंक्स के केस में. फॉरेन बैंक के केस में केवल 1.5% ऑफ GTI. ओके, बैड डेट, एक्चुअल बैड डेट, अमाउंट ऑफ बैड डेट लेस प्रोविजन टिल नाउ, वही हम एक्चुअल बैड डेट मानते हैं. जितना बैड डेट हुआ वो माइनस अभी तक आपने कितना प्रोविजन बनाया है वो.
ओके नेक्स्ट इज बैडेट का पॉइंट आपका खत्म हो चुका है. नेक्स्ट है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम. पेंशन स्कीम में एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन 10% ऑफ सैलरी. सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डी. एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन 10% ऑफ सैलरी. सैलरी में आता है बेसिक प्लस डीए. लोअर अलाउड हो जाएगा एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 36 सब्जेक्ट टू 43B, माने कि पेमेंट बेसिस पे करना पड़ेगा. ठीक है. फिर एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन टू एसपीएफ आरपीएफ या फिर एनी अदर अप्रूव्ड फंड. अनरिकग्नाइज किसी भी अनअप्रूव फंड में भी अगर जाता है तो देखो जो आपका अनअप्रूव्ड वाला होता है ना उस केस में तो आपको नो डिडक्शन है. अनअप्रूव्ड फंड में कोई भी डिडक्शन नहीं है. और अगर अप्रूव्ड है, स्टैट्यूटरीली अप्रूव्ड वो फंड है तो आपको डिडक्शन अलाउड है सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B पेमेंट बेस्ड. अब ये पेमेंट की बात कौन सी करता है, पर्टिकुलर फंड में जो लास्ट डेट दे रखी है आपको पेमेंट की उसके बारे में बात हुई है, एक्ट के लास्ट आपके ड्यू डेट के बारे में बात नहीं हुई है. जैसे सपोज एफआई से कि भाई पीएफ का जो है वो आपको अगले महीने की 15 तारीख तक कर देना है. अगर आपने तब तक नहीं जमा करवाया सरकार को, एम्प्लॉय का पैसा काट रहे हो, एम्प्लॉय का पैसा काट करके आप उस फंड की ड्यू डेट तक जमा नहीं करवा रहे हो तो आजीवन इसकी डिडक्शन भूल जाना, कभी भी नहीं मिलेगी. बहुत बड़ी बात है ये. ठीक है, कलेश हो जाएंगे, आजीवन भूल जाओ. ओके ओके. एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 15 तारीख तक डिपॉजिट हो जाना चाहिए. एक्सपेंसेस वरना फॉर एवर के लिए डिसअलाउड हो जाएगा. नेक्स्ट इज डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड. जीरो कूपन बॉन्ड किसे बोलते हैं, ऐसा बॉन्ड जिसपे जीरो डिस्काउंट रेट होती है, सॉरी जीरो इंटरेस्ट रेट होती है. तो जीरो कूपन बॉन्ड फिर क्या बोलते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड वो होते हैं जो इशू होते हैं डिस्काउंट पे और रिडीम होते हैं पार पे. इशूड ऑन डिस्काउंट, रिडीम एट पार, यानी कि फेस वैल्यू. तो इस जीरो कूपन बॉन्ड के ऊपर क्या टैक्सेबिलिटी आती है, ये अमोर्टाइज हो जाता है ओवर द लाइफ ऑफ द बॉन्ड. बॉन्ड की लाइफ 10 साल है तो 10 साल में अमोर्टाइज करोगे, 15 है तो 15 में, एज द केस मे बी, कुछ भी हो सकता है वो. ठीक है. नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर बिजनेस पर्पस. तो अभी जब हमने डेप्रिसिएशन का केस पढ़ा उसमें मैंने आपको बताया था कि अप टू पुट टू यूज, पुट टू यूज तक का जो इंटरेस्ट है वो तो असेट की कॉस्ट में ऐड होता है, और पुट टू यूज के बाद का जो इंटरेस्ट है वो आपको 36 के अंदर अलाउ हो जाता है. दैट मीन्स इंटरेस्ट तो पूरा अलाउड होएगा. पुट टू यूज तक का आप कॉस्ट में ऐड कर दोगे, पुट टू यूज के बाद का आप 36 में अलाउ कर दोगे. बोनस और कमीशन जो है वो भी आपका 43B है. बाकी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ स्टॉक ये सब आपका 43, ये सब आपका जनरल डिडक्शंस के अंदर आ जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज एक्सपेंस ऑन फैमिली प्लानिंग. फैमिली प्लानिंग पे अगर आपने कोई भी खर्चा करा है तो डिडक्शन अलाउ होती है कंपनी को, क्योंकि ये फैमिली प्लानिंग का खर्चा जो है वो जनरली कंपनीज करवाती थी. अब अगर कंपनी ने रेवेन्यू नेचर का खर्चा करा, यानी कि कोई कंसल्टेशन वगैरह का, कोई ऐसा सेमिनार वगैरह रखा है अवेयरनेस से रिलेटेड, तो 100% अलाउड. अगर कोई कैपिटल खर्चा करा है तो अलाउड हो जाएगा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में. ठीक है. नेक्स्ट इज सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स या फिर सीटीटी. सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स या फिर कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स वो भी अलाउड होता है अंडर सेक्शन 36 अगर आपने एज अ स्टॉक इन ट्रेड रखा है, क्योंकि हम पीजीवीपी में आपको स्टॉक इन एसटीटी का डिडक्शन दे देते हैं, कैपिटल गेन के अंदर नहीं देते. ठीक है. कैपिटल गेन में आपको डिडक्ट नहीं करने देंगे. आप एसटीटी पे करके आते हो उसका ट्रीटमेंट अलग होता है 112A के अंदर, और 112 अलग है जिसपे एसटीटी नहीं पे करना होता है. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेम्युनरेशन, वेरी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंटरेस्ट और रेम्युनरेशन. तो देखो पार्टनर को जो भी मिलता है ना, एक एक करके हम सब पे बात करते हैं. अगर पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है, आप केवल मेरी बात सुनना ध्यान से, पार्टनर को इंटरेस्ट मिल सकता है, पार्टनर को रेम्युनरेशन मिल सकता है, बोनस मिल सकता है, कमीशन मिल सकता है, रॉयल्टी मिल सकती है, ये सब रेम्युनरेशन के अंदर ही इंक्लूड कर देते हैं हम. ठीक है. तो हम दो बात करेंगे, एक बात करेंगे इंटरेस्ट की और एक हम क्यूमुलेटिव बात करेंगे रेम्युनरेशन की. अब इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट अगर डीड ने ऑथोराइज नहीं करा हुआ है, अगर इंटरेस्ट डीड ने ऑथोराइज नहीं करा, यानी कि डीड में परसेंटेज या कुछ भी इंटरेस्ट के बारे में मेंशन नहीं है,
तो 100% इंटरेस्ट डिसअलाउड हो जाता है। डीड ने ऑथोराइज नहीं करा, इंटरेस्ट डिसअलाउड हो जाएगा। डीड ने ऑथोराइज करा है, डीड ने, अब ऑथोराइज करने का मतलब क्या होता है, आपको परसेंटेज बताना कि हम 15% से इंटरेस्ट देंगे अपने पार्टनर को। तो इनकम टैक्स ने बोला आपने ऑथोराइज कर दिया ना डीड में, तो हम आपको डिडक्शन तो दे देंगे लेकिन 15% की नहीं देंगे, मैक्सिमम 12% की डिडक्शन हम आपको देंगे। तो जितना भी एक्सेस है वो एक्सेस आपका क्या हो गया, डिस अलाउड हो गया। यानी कि आपने अपने कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग तो 15% की डिडक्शन ले रखी होगी, इनकम टैक्स कितने परसेंट की डिडक्शन देगा, 12% की। तो जी जो एक्सेस 3% है इसे हम क्या कर देंगे, वापस से एड बैक कर देंगे और आपका प्रॉफिट बढ़ा देंगे। बात समझे डिसअलाउड का मतलब क्या होता है? ओके नेक्स्ट इज रेम्युनरेशन टू पार्टनर। रेम्युनरेशन क्या होता है, सैलरी बोनस कमीशन एनीथिंग। यही बात अगर ऑथोराइज नहीं है 100% डिसअलाउड, ऑथोराइज है तो भी रेम्युनरेशन जो है वो ओनली एंड ओनली वर्किंग पार्टनर को ही मिलता है। वर्किंग पार्टनर के अलावा आपको कोई भी नाम दे, नो रेम्युनरेशन। नॉन वर्किंग पार्टनर को रेम्युनरेशन नहीं होता है, 100% डिसअलाउड हो जाता है। रेम्युनरेशन तो मिलता है, आप ऐसा मत सोचो कि मिलेगा ही नहीं, रेम्युनरेशन तो मिलता है लेकिन वो डिसअलाउड हो जाता है। ठीक है, अगर आपने अपने नॉन वर्किंग पार्टनर को कोई रेम्युनरेशन दे रखा है और उसका खर्चा आपने अपने P&L के अंदर शो कर रखा है, तो इनकम टैक्स की लाइबिलिटी कंप्यूट करते टाइम उस खर्चे को आप वापस से ऐड कर दो और उतने अमाउंट से अपना प्रॉफिट बढ़ा दो, क्योंकि उस खर्चे की डिडक्शन आपको हम नहीं देंगे। नाउ वर्किंग पार्टनर के लिए अगर है तो एक लिमिट है। ठीक है, वर्किंग पार्टनर के लिए क्या बोला है, वर्किंग पार्टनर के लिए ये बोला है कि या तो हम लिमिट या फिर जितना आप एक्चुअल पेमेंट कर रहे हो, दोनों में से जो भी कम होगा, ध्यान रखना लिमिट या फिर एक्चुअल पेमेंट, विच एवर इज लेस अलाउ होगा। विच एवर इज लेस क्या होगा, अलाउ होगा। ऑलराइट, नाउ लिमिट क्या है, अब एक्चुअल तो आपको ऑफकोर्स क्वेश्चन के अंदर दे करके ही रखेगा, लिमिट क्या होती है, तो लिमिट जो है वो बुक प्रॉफिट पे डिपेंड करती है। ठीक है, बुक प्रॉफिट का 3 लाख, फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो लॉस के केस में अपन अभी बात करेंगे, पहले प्रॉफिट के केस में बात कर लेते हैं। बुक प्रॉफिट का पहला 3 लाख, तो 1.5 लाख तो वैसे ही फिक्स है, तो जनरली बोलते हैं 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, यानी कि 270, विच एवर इज हायर, ऑफकोर्स 270 ही हायर आएगा अगर प्रॉफिट का केस है तो, और प्रॉफिट अगर 3 लाख को एक्सीड कर रहा है तो। बैलेंस के ऊपर हम 60% ले लेते हैं। दैट मीन्स एक चीज समझना आप यहाँ से, क्या मैंने बोलने का क्या मतलब था, सपोज आपको बुक प्रॉफिट दे रखा है 10 लाख, बुक प्रॉफिट कितना है 10 लाख, तो अब आप लिमिट कंप्यूट कर रहे हो, कैसे करेंगे, बुक प्रॉफिट पहला 3 लाख, बुक प्रॉफिट टोटल है 10 लाख, 10 में से हमने 3 निकाल दिया, वो 3 लाख का ऑफकोर्स ज्यादा क्या आएगा, 90% ही ज्यादा आएगा, यानी कि 2,70,000। अब बैलेंस कितना बुक प्रॉफिट बच गया, 7 लाख का, तो 7 लाख का 60%। ओके, ऐसे आपको कंप्यूटेशन करनी है, 6,90 या फिर 7.5 लाख, विच एवर इज लोअर, 6,90, ये हमारी लिमिट आ जाएगी। डन। अभी बुक प्रॉफिट कैसे कंप्यूट होता है, तो बुक प्रॉफिट कंप्यूट होता है आप जो आपका P&L में एज पर इनकम टैक्स प्रॉफिट है, एज पर इनकम टैक्स का मतलब हम तो एज पर कंपनीज एक्ट ले रहे थे, तो एज पर इनकम टैक्स का मतलब हो गया कि आपने कंपनीज एक्ट वाला प्रॉफिट उठाया, उसमें आप सबसे पहले एडजस्टमेंट करोगे बाकी के सेक्शंस के, मतलब आप ये वाला सेक्शन छोड़ करके, पार्टनर का 40B वाला सेक्शन छोड़ करके आप बाकी सारे सेक्शंस की कंप्यूटेशन पहले कर दो।
एडजस्टमेंट कर दो आप ऑल अदर सेक्शंस ऑफ पीजीबीपी, तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट आ जाएगा, उसमें आपको ये रेम्यूनरेशन वापस से ऐड करना है और माइनस करना है अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, तब जाकर के आएगा आपका बुक प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा लॉस की बात मैंने बोला था बाद में करेंगे, तो अगर आपको लॉस होता है ना तब भी 1.5 लाख तो आपको डिडक्शन मिलेगी ही मिलेगी, स्टैंडर्ड है, मतलब 1.5 लाख का अमाउंट तो फिक्स है। अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में हम देखेंगे कि भाई वो प्रॉफिट कितना एक्सीड कर रहा है या क्या कर रहा है, और अगर लॉस है तो लॉस के केस में आपको 1.5 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट, सेक्शन 40A(2) शैल नॉट अट्रैक्ट इन केस ऑफ इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर अंडर सेक्शन 40B। इंटरेस्ट या रेम्यूनरेशन पार्टनर को आप दे रहे हो तो उस केस में 40A(2) आपका अट्रैक्ट नहीं होगा। कोई भी शेयर इनकम है जो पार्टनर को मिली है वो एग्जेम्प्ट होती है, देखो प्रॉफिट में जितना हिस्सा होता है ना वो एग्जेम्प्ट होता है। ओके, इफ स्टॉक इन ट्रेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फर्म ऑन डिसोल्यूशन, अगर फर्म ने स्टॉक इन ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट करा है रिकंस्ट्रक्शन या डिसोल्यूशन पे, तो जो FMV है उस स्टॉक इन ट्रेड की वो आपको पीजीबीपी के अंदर लेनी है और वो टैक्सेबल हो जाएगी फर्म के हाथों में। नाउ TDS वाला सेक्शन करते हैं, तो सिंपल एक बात देखना, पेमेंट आउटसाइड इंडिया करा है या फिर नॉन रेजिडेंट को करा है, एक्सेप्ट सैलरी, सैलरी के अलावा कोई पेमेंट आउटसाइड इंडिया या फिर नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट सेकंड बात करता है रेजिडेंट, और तीसरा बात करता है सेम आउटसाइड इंडिया और नॉन रेजिडेंट, लेकिन किसका पेमेंट, सैलरी का पेमेंट। तो 1, 2, 3 ये तीन सेक्शन है आपके, 40A(1), 40AIA, 40A(3)। ठीक है, इन सब में क्या बोला है, देखो एक मैं आपको इनका पूरा एक क्रक्स दे दूं बस, कि अगर आप नॉन रेजिडेंट को कोई भी पेमेंट कर रहे हो ना बिना TDS डिडक्ट करे या फिर डिडक्ट कर लिया लेकिन जमा नहीं करवाया, ऐसे केस में आप नॉन रेजिडेंट को अगर कोई भी पेमेंट कर रहे हो तो वो पेमेंट 100% डिसअलाउ हो जाता है। दैट मीन्स इधर भी 100% डिसअलाउड है और इधर भी 100% डिसअलाउड है। अब इसमें क्या है, इसमें 30% डिसअलाउड है। अगर आप किसी भी रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो TDS नहीं डिडक्ट करा, या तो TDS डिडक्ट ही नहीं करा या फिर डिडक्ट कर लिया लेकिन डिपॉजिट नहीं किया गवर्नमेंट को, डिडक्ट कर लिया लेकिन गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं किया, तो अच्छा डिपॉजिट कब तक, अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, तो ये आपके लिए खर्चा उस पर्टिकुलर ईयर में डिसअलाउड हो जाएगा। कितना परसेंट वो मैंने इधर लिख दिया, 100, 30 एंड 100। ओके, ये पूरे सेक्शन का मैंने आपको एक ही बार में सारी की सारी बातें बता दी। ग्रेच्युटी का वैसे तो देखो कोई भी प्रोविजन के लिए मना करा है, बट अगर ग्रेच्युटी जिस साल में प्रोविजन बनाया उसी साल में देनी है तो आपको अलाउ हो जाएगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये लोग बाग नहीं करते हैं, स्टूडेंट्स यहां तक नहीं आते हैं, इस सेक्शन तक आते आते तो उनका दिमाग चक्कर खाने लग जाता है कि अरे यार पीजीपी इतना बड़ा चला गया, अब तो हमारा तो सर दर्द होने लग गया, अब हमसे और पीजीपी नहीं पढ़ा जाता। बट जो इधर तक देख रहे हैं, जो इधर तक टिके हुए हैं, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, आप डेफिनेटली, आपको टैक्सेशन के अंदर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप 110% यानी कि आप 200% क्लियर करोगे ही करोगे, 110 भी छोड़ो मैं तो 200% पे चले, 100% मेरा भरोसा, 100% आपका भरोसा, मिला करके हो गया 200%। चलिए 44AA, तो 44AA बात करता है कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, कब आपको कंपलसरीली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। तो अगर हम
प्रोफेशन की बात करें, स्पेसिफाइड प्रोफेशन की बात करें, ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख को एक्सीड कर रही है क्या इन ऑल द 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर? अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 1.5 लाख को एक्सीड कर रही है इन ऑल, हर साल में 1.5 लाख को एक्सीड करनी चाहिए, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना जरूरी है, अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन हो तो। बट अगर आप बिजनेस में हो या मैन्युफैक्चर या अदर देन स्पेसिफाइड में हो तो आपके लिए लिमिट अलग है, ठीक है। बिजनेस वालों के लिए लिमिट क्या है? अगर आप असेसी हो, इंडिविजुअल HUF असेसी हो, तो आपके लिए टोटल टर्नओवर हमें चेक करना है, टोटल टर्नओवर आपके लिए 25 लाख और टोटल इनकम आपके लिए चेक करनी है 2.5 लाख। अदर देन इंडिविजुअल HUF हो तो आपके लिए टोटल टर्नओवर हमें चेक करना है 10 लाख का और टोटल इनकम आपके लिए चेक करनी है 1,20,000 की, ओके। 25, 2.5, 10, 1, 20 इंडिविजुअल HUF 25, 2.5, 25 लाख, 2.5 लाख। अदर देन इंडिविजुअल HUF 10 लाख, 1,20,000। स्पेसिफाइड प्रोफेशन 1.5 लाख ऑल द ईयर्स। इधर क्या बोला? एनी, किसी भी साल में अगर एक्सीड कर जाता है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, ओके? अब क्या मेंटेन करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? तो आपको जनरल जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है भाई, कैश बुक, जर्नल, लेजर, 25 रुपए की कार्बन कॉपी, 50 रुपए के ओरिजिनल बिल, मेडिकल वाले हो तो इन्वेंटरी रजिस्टर, डेली केस रजिस्टर, मतलब जो आपके जनरल बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं जो आप वैसे भी मेंटेन करते हो अकाउंटेंसी के लिए, वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स इधर बोला है। अच्छा, एक बात बोली है कि अगर आप पे एक बार एप्लीकेबिलिटी आ जाती है मेंटेनेंस की, अगर एक बार आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए बोला जाता है कंपल्सरीली, तो उन मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आपको कितने टाइम तक संभाल करके रखना है? आपको उसे संभाल करके रखना है 6 साल तक। एक बार अगर आपने कंपल्सरीली मेंटेन कर लिए, आप 6 साल तक उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को संभाल करके रखो, नहीं रखा पेनल्टी आएगी 25,000 की, ठीक है। नेक्स्ट इज कंपल्सरी ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कंपल्सरी ऑडिट। तो कंपल्सरी ऑडिट आपको कब करवानी पड़ती है? बिजनेस के केस में अगर टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड कर जाता है तो आपको कंपल्सरीली ऑडिट करवानी है। बहुत सिंप्लीफाइड बताऊंगी मैं आपको, बिजनेस टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड कर गया, बट अगर आप प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन 44AD के अंदर हो, अगर आप 44AD में हो तो आपके लिए ये लिमिट जो है 1 करोड़ की लिमिट 2 करोड़ हो जाती है। मतलब देखो, वैसे आपको 1 करोड़ की लिमिट है, ठीक है, ऑडिट कराने की लिमिट क्या है 1 करोड़, बट इफ आप 44AD वाले हो तो आपके लिए लिमिट क्या है 2 करोड़। इफ आप 44AD हो प्लस आपका जो कैश रिसिप्ट है वो 5% ऑफ योर टोटल टर्नओवर है तो आपके लिए लिमिट है 3 करोड़, ओके? ये तो बात करी हमने पहले एक्सेप्शन की, 1 करोड़ का एक्सेप्शन। दूसरा, आपके लिए लिमिट कर देंगे 10 करोड़। कब? इफ आपका कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट 5% तक है ऑफ योर टोटल टर्नओवर, ठीक है, आपका टोटल रिसिप्ट का 5% तक अगर आपका कैश रिसिप्ट है तो, ठीक है। ये है पूरे इस बात का, बिजनेस वाले का क्रक्स, ये इतनी सी बात बस। 1 करोड़ पे आपको ऑडिट करवानी है, लेकिन 44AD के लिए 2 करोड़ और 3 करोड़ की लिमिट है, 10 करोड़ की लिमिट है अगर 5% वाली बात आती है तो, ओके ओके।
ठीक है, देखो मैंने इधर समरी में भी यही लिखवा रखा है, टर्नओवर 10 करोड़ को एक्सीड करता है। देखो 10 करोड़ को अगर एक्सीड कर रहा है तो सबके लिए एप्लीकेबल है, कोई भी कंडीशन नहीं मानी जाएगी। टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रहा है, 2 करोड़ को या 3 करोड़ को, और असेसी जो है वो 44AD में कवर्ड है। टर्नओवर 2 करोड़ 3 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रहा, असेसी कवर्ड है, नहीं करवानी। टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ एंड अफोरसेड कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, मतलब टर्नओवर 10 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रहा, प्लस आपका 5% तक कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट है, तब भी आपको नहीं करवानी है। ये तो था बिजनेस वाले की बात, प्रोफेशन वाले को कब करवाना है? 50 लाख, और 75 लाख इनहेंस्ड हो जाएगी आपके 44। ठीक है, तो 50 लाख ये लिमिट इनहेंस हो जाती है 75 लाख तक ड्यूरिंग द ईयर, अगर कैश जो है वो 5% तक है तो। नाउ 44AE, 44BB एंड 44BBB, ये दोनों नॉन रेजिडेंट के लिए हैं। AE जो है वो आपका ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए है। इन पे कंडीशन है, अगर असेसी ने लोअर इनकम क्लेम करना चाहता है, असेसी हैज क्लेम्ड हिज इनकम फ्रॉम बिजनेस इज लोअर देन द डीम्ड इनकम अंडर अबव सेक्शंस, तो आपको ऑडिट कराना जरूरी है। अगर आप इन सेक्शन में मेंशन इनकम से लोअर इनकम क्लेम करना चाहते हो तो आपको ऑडिट करवाना जरूरी है। ठीक है, सेम 44AD के अंदर भी है, लोअर आ रहा है प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को एक्सीड कर रहा है। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट कब सबमिट करनी है आपको? 1 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, रिटर्न फाइलिंग की डेट से 1 महीना पहले। तो जिनके लिए ऑडिट कराना कंपलसरी होता है उनके लिए रिटर्न फाइलिंग की डेट होती है 31 अक्टूबर, दैट मीन्स आपको 30 सितंबर तक ये ऑडिट रिपोर्ट अपनी सबमिट करनी है। पेनल्टी लगेगी आपके ऊपर, अगर आपने कुछ भी नॉन कंप्लायंस करी तो पेनल्टी लगेगी 0.5% ऑफ टर्नओवर या फिर 1.5 लाख। ओके, चलिए अब हम अपने ऑलमोस्ट आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं पीजीएपी के। आई होप आपने अभी तक मेरा साथ दिया हो। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44AD, 44ADA, 44AE, सेक्शन 44AD। तो 44AD इज फॉर बिजनेस अदर देन 44AE। AD किसके लिए है? जो AE नहीं ले सकता। AE किसके लिए है? ट्रांसपोर्ट वालों के लिए। और ADA किसके लिए है? प्रोफेशनल्स के लिए। रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF फर्म, फर्म में LLP नहीं आएगा। 44AD किस पे एप्लीकेबल नहीं होता? 44AE पे, कमीशन पे, और जो 2 करोड़ को एक्सीड कर गए वो, और 3 करोड़ की लिमिट, ये 2 करोड़ की लिमिट जो है ये 3 करोड़ की लिमिट हो जाती है अगर आपका कैश रिसिप्ट 5% ऑफ योर टर्नओवर है तो। ठीक है, अब 44AD में टैक्स कितना लेना है? तो 44AD में हम आपके टोटल टर्नओवर का 6% या 8%, 6% किस केस में? अगर आपको पैसा मिला है अदर देन कैश प्लस अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, दोनों कंडीशन होना जरूरी है। ठीक है, कुछ भी वॉयलेट करा 8%, या कुछ भी अदर देन दिस केस है, जैसे कि पैसा अभी तक मिला ही नहीं है तो क्या करें? 8% करो। ठीक है, फोर्टी फोर एडी वाले को 30 से 38 तक की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की कोई कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 करोड़ वाला टर्नओवर 3 करोड़ हो जाएगा, ये ऑलरेडी डिस्कस हो गया। एडवांस टैक्स की ओनली एक इंस्टॉलमेंट पे करनी है। ठीक है, अच्छा एक इसमें इंपॉर्टेंट बात, अगर आप 44AD के अंदर आते हो तो एक बार अगर आप पे एप्लीकेबिलिटी आ गई तो उस एप्लीकेबिलिटी आपको 5 साल तक 44AD के अंदर रहना है। इफ 5 सालों में से किसी भी साल में आप बाहर निकल गए तो जिस साल में बाहर निकले ना वहां से लेकर के 5 साल तक फिर आप 44AD ऑप्ट नहीं कर सकते। 44AD फायदेमंद चीज होती है। ठीक है,
फॉर स्मॉल बिजनेस. नेक्स्ट, 44 ADA प्रोफेशनल्स, सारी की सारी कंडीशन सेम होती है 44 AD वाली, बस ये होता किसके लिए है, प्रोफेशनल्स के लिए है. और कितनी ग्रॉस रिसिप्ट पर, 50 लाख. इनकम क्या माननी है, मतलब आप हमारा नेट प्रॉफिट क्या मानोगे, आपकी जो भी ग्रॉस रिसिप्ट है उसका 50%, बाकी सारी की सारी कंडीशन सेम. 50 लाख की लिमिट 75 लाख हो जाएगी अगर 5% तक कैश में है तो. 44 AE जो है वो आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए है. दो तरीके के गुड्स होते हैं, हैवी गुड व्हीकल एंड अदर देन हैवी गुड व्हीकल, यानी कि लाइट गुड व्हीकल जिसे हम बोलते हैं. तो अगर हैवी गुड व्हीकल है तो आपको उसका हैवी गुड व्हीकल, पहली बात तो हम बोलेंगे किसको, उसे हम हैवी गुड व्हीकल बोलेंगे जिसमें आपका ग्रॉस वेट जो है वो 12 टन को एक्सीड कर रहा है. 12 टन को एक्सीड कर रहा हैवी गुड व्हीकल, 12 टन या उससे कम है तो वो लाइट गुड व्हीकल होगा. हैवी गुड व्हीकल के लिए हमें क्या करना है, 1000 पर टन पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ. पार्ट ऑफ द मंथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर एक भी दिन अगले महीने का हो गया ना तो आप वो अगला महीना पूरा का पूरा कंसिडर करोगे. बात समझ रहे हो, पार्ट ऑफ द मंथ कितना इंपॉर्टेंट है. जैसे अगर आपका सपोज 1 मई भी हो गया तो पूरा का पूरा मई ले लेंगे हम, ये होता है पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब. जी जनाब. नाउ लाइट गुड व्हीकल्स, तो ग्रॉस वेट 12 टन से कम या बराबर 7500 पर व्हीकल, नॉट पर टन, पर व्हीकल, पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ. ओके, वहां क्या बोला था, 1000 पर टन पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, इधर क्या बोला, 7500 पर व्हीकल, पर व्हीकल. डन. बाकी सब कुछ सेम 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 सेम. अभी हम थोड़े से मिसलेनियस प्रोविजंस और कर लेते हैं पीजीपी के, और फिर हमारा पीजीपी खत्म. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अमोर्टाइज होते हैं आपके 5 साल में. ओके, कुछ प्रिलिमिनरी बोलते किसको हैं हम, तो देखो प्रिलिमिनरी के अंदर आपको सबसे पहले रिडक्शन कितने मिलेगी, 5 साल में क्या डिसअलाउड करोगे ये तो जान लो पहले. तो इंडियन कंपनी के केस में 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, विच एवर इज हायर. ओके, अदर के केस में 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट. कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट किसे बोलेंगे, जो एक्चुअल कॉस्ट लगी है. कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि आपका इशूड शेयर कैपिटल, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये सब. नाउ एलिजिबल एक्सपेंसेस कौन से हैं, तो जो भी जेन्युइन एक्सपेंसेस हैं. जेन्युइन एक्सपेंसेस यानी कि आपका फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना, मार्केट सर्वे, इंजीनियरिंग सर्विस, लीगल चार्जेस, कोई भी MOA AOA के ड्राफ्टिंग चार्जेस हैं, पब्लिक सब्सक्रिप्शन की बात है, ये सब एलिजिबल खर्चे होते हैं. इन्हीं का आप 5% लोगे. ओके, और डिडक्शन कितनी मिलेगी आपको, एक्चुअल एक्चुअल जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हुआ वो, या फिर 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. देखो कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पहले इन दोनों में से हायर लोगे. हायर वाले को कंपेयर करोगे एक्चुअल से, जो लोअर होगा वो डिडक्शन मिलेगी 5 साल. ओके, ओनली एंड ओनली इंडियन कंपनी को मिलेगी ये चीज, एमसीक्यू पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम है, VRS की अगर मैं बात करूं तो सेम 1/5 अमाउंट मिलेगा. ठीक है, 33 AB एंड 33 AB(a) के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 33 AB जो है वो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग है, किसका, टी और कॉफी और रबर इन इंडिया. और 33 AB(a) जो है वो है आपका एक्सट्रैक्शन प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैस. अभी कितना मिलेगा, अमाउंट ऑफ रिडक्शन क्या है, तो अमाउंट ऑफ रिडक्शन है आपकी अमाउंट डिपॉजिट या फिर 40%, इधर भी अमाउंट डिपॉजिट या फिर 20%, तो 40 और 20. ठीक है, टेलीकॉम, टेलीकॉम के केस में क्या होता है, टेलीकॉम यानी कि आपका नेटवर्किंग वाला जो सर्विस होता है, तो नेटवर्क के केस में डिडक्शन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर की ही डिडक्शन मिलेगी इक्वल इंस्टॉलमेंट में, मतलब जितना खर्चा हुआ है वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में आपका अलाउड हो जाएगा इक्वली. अभी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, बिजनेस कमेंस होने से पहले का अगर खर्चा होता है
तो प्रीवियस ईयर बिगनिंग विद द प्रीवियस ईयर इन विच सच बिजनेस इज कमिंग, मतलब बिजनेस होने से पहले का जो खर्चा है ना उसके लिए रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है, जब आपका बिजनेस कमेंस हुआ है, और बिजनेस शुरू होने के बाद का कोई खर्चा है तो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है, जब आपने लाइसेंस फी का पेमेंट करा है। पेमेंट कैसे, फुल पेमेंट या पार्ट पेमेंट? पार्ट पेमेंट, जैसे जैसे पेमेंट कर रहे हो वैसे वैसे आपके साल काउंट होंगे। जैसे सपोज कोई मैंने 5 साल का लाइसेंस लिया था, अब मैंने उसका पेमेंट करा है पहले साल में 50,000, तो 50,000 जो है वो आपको 5 साल के लिए लगेगा। दूसरे साल में मैंने उसका पेमेंट करा है 10,000, ठीक है, सपोज 80,000 का था, तो 10,000 जो है वो आप 4 साल के लिए लगेगा। ऐसा अगर आपने लाइसेंस ट्रांसफर कर दिया तो आपके लिए ये इनकम हो जाती है अलग अलग हेड के अंदर। डिपेंड करता है फुल लाइसेंस ट्रांसफर कर रहे हो या फिर हाफ लाइसेंस ट्रांसफर कर रहे हो। अगर फुल लाइसेंस ट्रांसफर करते हो और लॉस में ट्रांसफर करते हो, लॉस का मतलब WDB ज्यादा है सेल अमाउंट से, तो बिजनेस लॉस अलाउ हो जाएगा। पार्ट लाइसेंस ट्रांसफर करते हो और तब भी WDV ज्यादा है तो जो बैलेंस है उसकी आप डिडक्शन क्लेम कर लेना। होल और एनी पार्ट इज रिसीव्ड और आपको फायदा हो गया है तो PGBP, और जितना एक्सेस है वो कैपिटल गेन, मतलब जितनी डिडक्शन आपने ऑलरेडी ले रखी थी ना उससे भी ऊपर का अगर फायदा है तो डिडक्शन तक का अमाउंट तो PGBP में टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि डिडक्शन कहाँ लेती है, PGBP में। और डिडक्शन के ऊपर का जो अमाउंट है वो आपका कैपिटल गेन के अंदर चला जाएगा। ओके, ये आपका रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 100% अलाउड होता है स्पेसिफाइड प्रोग्राम में अगर आप करोगे तो। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भी आपका 100% होता है, स्किल डेवलपमेंट भी आपका 100% होता है। बस इतना ध्यान रखना कि स्किल डेवलपमेंट ओनली एंड ओनली कंपनी को मिलता है, ये आपका MCQ में आ जाती है चीजें। ओके ओके, सेक्शन 41 यानी कि डीम्ड इनकम किसके बारे में बात करता है, तो डीम्ड इनकम बात करता है इसमें सबसे अधिक, हम सबके बारे में बात कर चुके हैं, बस एक बचा है रिकवरी अगेंस्ट एनी डिडक्शन। कोई डिडक्शन, कोई भी अमाउंट जिसकी आपने पहले डिडक्शन ली थी अब उसकी रिकवरी हो गई तो रिकवरी टैक्सेबल हो जाती है। ओके, कौन से केस में एक्चुअल कॉस्ट क्या लेनी है, ये वन टाइम रीड पर्पस है। ये केवल रीडिंग के लिए आपका काम में आएगा, इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो साइंटिफिक रिसर्च वाले के लिए क्या लेना है, गिफ्ट में अगर एक्वायर करा है तो, जैसे पढ़ते हैं देखो, साइंटिफिक रिसर्च वाले के लिए एक्चुअल कॉस्ट निल लेनी है। क्यों निल लेनी है, क्योंकि इसकी 100% डिडक्शन आप ऑलरेडी ले चुके हो। अगर आपने बाय वे ऑफ गिफ्ट या इनहेरिटेंस असेट एक्वायर करा है तो एक्चुअल कॉस्ट किसकी लोगे, प्रीवियस ओनर माइनस डीम्ड डेप्रिसिएशन, अभी तक कितना डेप्रिसिएशन लगता। ओके, ये केवल रीडिंग के पर्पस का है। बाकी आपका ये कंपोजिट इनकम वाला, मतलब एग्रीकल्चर इनकम इसमें आ जाती है, तो 7A, 7B एंड 8 ये आपका एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट होता है बेसिकली। तो रबर एंड प्लांट 35, 65, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी है ना, कॉफी बेच रहे हैं हम, तो ग्रोन एंड क्योर्ड अगर इंडिया में है तो 25 और 75, ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड ग्राउंडेड इन इंडिया, मतलब सारी चीजें इंडिया में हो रही है, तो 40, 60। केवल ग्रोन एंड क्योर्ड इंडिया में है तो 25, 75, ग्रोन क्योर्ड ग्राउंडेड सब कुछ इंडिया में है, रोस्टेड ग्राउंडेड और सेल भी, तो 40 और 60। ओके, मेथड ऑफ अकाउंटिंग आप कोई सी भी ले सकते हो, कैश या फिर अक्रूअल। ऑल राइट, सो दीज वर द इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ आर बिगेस्ट हेड PGBP। इसे भी हमने कंप्लीट कर दिया है, इस मैराथन को पूरा देखिए, क्योंकि केवल इसे 2 से 3 बार रिकॉल करने पर भी आपको PGBP 100% आ जाएगा, आपको ये प्रोविजन एग्जाम में क्लिक करेंगे। ओके, थैंक यू।